Hi guys, this is Pinky and welcome or welcome back to my channel. तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ गेट अनरेडी विथ मी। इस वीडियो में मैं अपना सिंपल सा रूटीन शेयर करने वाली हूँ जो कि मैं हमेशा फॉलो करती हूँ जब भी मैंने अपना फुल फेस मेकअप किया हुआ है। आज भी मैंने पूरा मेकअप किया हुआ है बिकॉज मैं शूट कर रही थी तो अभी मैं मेकअप हटाने ही जा रही थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबके साथ एक गेट अनरेडी विथ मी भी शेयर करूं। तो चलो आज मैं शेयर करती हूं कैसे मैं अपना मेकअप रिमूव करती हूं। ओके, सो मेकअप रिमूव करने से पहले मैं अपना ड्रेस चेंज करूंगी जो कि ऑलरेडी मैंने कर लिया है, और फिर जो भी कुछ मैंने थोड़ा बहुत पहना है ज्वेलरीज वो सब रिमूव करूंगी। अपना इयररिंग्स, वॉच, ब्रेसलेट, जो कुछ भी मैंने वेयर किया है वो सारे उतार लूंगी। उससे काफ़ी हल्का फील होने लगता है। फिर मैं अपने बालों को बांध लूंगी, अच्छे से एक बन बना लूंगी ताकि जो भी मैं प्रोसेस करूँ बाल मुझे डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद बारी आती है मेकअप रिमूव करने की। फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस बायोटिक का मेकअप रिमूविंग ऑयल। ये बहुत अच्छा है, मैं बहुत टाइम से इसे यूज कर रही हूँ। ये काफी अच्छे से मेरे मेकअप को मेल्ट कर देता है जिससे मेकअप रिमूव करना बहुत इजी होता है। मैं अपने हाथों पे लेके अच्छे से थोड़ा सा रब कर लेती हूँ वार्म अप करने के लिए, और फिर अपने फेस पे हल्का सा मसाज करती हूँ। उससे मेकअप मेल्ट होके धीरे धीरे रिमूव होने लगता है। फिर कॉटन की हेल्प से मैं अच्छे से उसे रिमूव कर देती हूँ, और इससे मैं अपने लिपस्टिक और आई मेकअप जल्दी रिमूव नहीं करती हूँ क्योंकि बेस मेकअप के लिए ये अच्छा है। बट आई मेकअप में अगर कुछ हैवी जैसे मस्कारा अप्लाई किया हो, लिपस्टिक में लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई किया हो, तो वो सब इजीली रिमूव नहीं होता इससे। तो इसके लिए मैं ये गार्नियर का माइसेलर वाटर यूज़ करूँगी। ये बहुत अच्छे से ये सब रिमूव कर लेता है। जब भी बहुत ज़्यादा हेवी मेकअप होता है तब मैं सिर्फ गार्नियर माइसेलर वाटर पे डिपेंड रहती हूँ। वो बहुत अच्छे से मेरे मेकअप उतार देता है। आप देख सकते हो कितना इजीली ये लिपस्टिक और आई मेकअप रिमूव कर दिया बिना किसी ट्रबल के, क्योंकि वी ऑल गर्ल्स कैन रिलेट मेकअप रिमूव करना कितना टफ काम है क्योंकि सबसे ज़्यादा आलस इसी में आती है। तो ये होता है मेरा मेकअप रिमूविंग का फर्स्ट प्रोसेस। और फिर उसके बाद बारी आती है फेस वॉश की। फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस लॉरियल रिवाइटलिफ्ट हाइलोरोनिक एसिड फेस वॉश। ये बहुत जेंटल फेस वॉश है। इससे मैं अच्छे से अपने फेस पे 60 सेकेंड्स के लिए मसाज करूंगी और फिर फेस वॉश कर दूंगी। कितना हल्का फील होता है इसके बाद। मेकअप रिमूव करके ऐसा लगता है जिंदगी का आधा बोझ तो इसी से उतर गया है। ओके, तो मेकअप अच्छे से रिमूव हो गया है, फेस भी बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है फेस वॉश से। अब हम करेंगे स्किन केयर। इस पूरे प्रोसेस में मैं कोई भी एक्टिव्स यूज़ नहीं करने वाली हूँ, कोई भी फेस सीरम यूज़ नहीं करने वाली हूँ। मैं सिंपली यूज़ करूँगी एलोवेरा जेल। हाँ जी, मैं यूज़ करने वाली हूँ बोरो प्लस का एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल स्किन को सूथ करता है, रिपेयर करने में भी हेल्प करता है, एंड इसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज भी है। तो इसके बाद मैं इससे हल्का सा फेस पे मसाज करती हूँ और उसके बाद मैं यूज करूंगी आई सीरम। आई सीरम के लिए आई एम यूजिंग दिस ऑर्डिनरी कैफिन सॉल्यूशन। तो इसकी कुछ ड्रॉप्स मैं लूंगी और अपने अंडर आई एरिया को अच्छे से मसाज करूंगी थोड़ी देर के लिए। आफ्टर आई सीरम मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करूंगी। उसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ निविया का निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइजर। मेकअप के बाद यूजुअली मैं यही मॉइस्चराइजर लगाना प्रेफर करती हूँ बिकॉज ये काफी लाइट वेट है। और फिर लास्टली मैं अप्लाई करने वाली हूँ लिप बाम। लिप बाम के लिए आई एम यूजिंग दिस लैक्मे का लिप बाम जो कि बहुत अच्छे से मेरे लिप्स को मॉइस्चराइज भी करता है एंड हल्का सा टिंट भी देता है जिसकी वजह से लिप्स भी बहुत अच्छी लगती है। सिंपल मेकअप रिमूवल रूटीन। ये रूटीन मैंने जानबूझ के इतना सिंपल रखा है ताकि मैं हमेशा फॉलो कर सकूं इसे। आई होप आपको ये सिंपल एंड रियलिस्टिक रूटीन पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।